क्यों है इस सरोवर का इतना महत्व? जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। मैं हूँ फुंदारटी और हमारे गुरुजीज व्लॉग यूट्यूब चैनल में मैं आपका प्रेम पूर्वक स्वागत करता हूँ। आज हम इस वीडियो में ऐसे सरोवर के बारे में जानेंगे जो आपने इससे पहले शायद सुना हो। पुराणों में कहा गया है कि इस सरोवर में जो स्नान करता है उसको उतना ही फल प्राप्त होता है जितना फल अश्वमेध यज्ञ को करने के बाद प्राप्त होता है। ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र। जी हाँ दोस्तों, ये सरोवर भारत के राज्य हरियाणा में कुरुक्षेत्र थानेसर में स्थित है। यह कहा जाता है कि इस कुंड का निर्माण पांडवों एवं कौरवों के पूर्वज राजा कुरु ने करवाया था। इस सरोवर की चौड़ाई 1400 फीट है और लंबाई 1800 फीट है। पर पौराणिक कथाओं के अनुसार कुरुक्षेत्र को भगवान ब्रह्मा द्वारा विशाल यज्ञ से निर्मित किया गया था। इस सरोवर में राजा महाराजाओं एवं कई लोगों ने स्नान किया है। गीता जयंती के दिन ब्रह्मा सरोवर कुंड एवं आसपास के सभी जगहों को फूल मालाओं से एवं लाइट के द्वारा सजाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति ब्रह्म सरोवर में स्नान करता है उसके सभी पाप दूर हो जाते हैं और उसको सुख समृद्धि प्राप्त होती है। दोस्तों, ब्रह्म सरोवर के उत्तरी तट पर महादेव का मंदिर भी है जिसे सर्वेश्वर महादेव कहा जाता है। इस मंदिर के दर्शन के लिए एवं भगवान शिव से प्रार्थना करने के लिए काफी भीड़ देखने को मिलती है। यहाँ पर ब्रह्मा एवं भगवान शिव की मूर्तियां स्थित है। यहाँ पर नवंबर दिसंबर के महीने में गीता जयंती पर मेला भी लगता है। इस मेले में हजारों लाखों लोग भगवान सर्वेश्वर के दर्शन के लिए आते हैं। दोस्तों, ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र कैसे पहुंचा जाए इसके बारे में हम अब जानकारी लेते हैं। बाय एयर निकटतम हवाई अड्डे दिल्ली और चंडीगढ़ में है, जो टैक्सी सेवाएं हवाई अड्डे से भी उपलब्ध है। दिल्ली कुरुक्षेत्र से 160 किलोमीटर की दूरी पर है। ट्रेन द्वारा कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन, जिसे कुरुक्षेत्र जंक्शन भी कहा जाता है। कुरुक्षेत्र देश के सभी मुख्य शहरों से रेल लाइनों से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, अगर आप यहाँ सड़क मार्ग से आना चाहते हैं तो हरियाणा रोडवेज बसें और अन्य पड़ोसी राज्य निगम बसें कुरुक्षेत्रों को दिल्ली, चंडीगढ़ और अन्य महत्वपूर्ण शहरों से जोड़ती है। तो दोस्तों, आप भी ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में जरूर आइए। धन्यवाद।